किसान बैठे होंगे, बहुत सारे किसान बैठे होंगे, भाई साहब ये कंडक्टर तार लगा रखी है खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, इतनी बड़ी बड़ी तारें कील लगा रखे हैं, किसान कहीं दिल्ली ना चले जाएं। भाई दिल्ली नहीं जाएंगे और क्या, मैं लाहौर भेजूं उनको? कहां भेजूं मैं उनको? भाई दिल्ली से सरकार चलती है तो दिल्ली जाएंगे वो, तो दिल्ली उनके साथ बैठ के बात करो ना। इससे पहले भी हरियाणा के बॉर्डर पर रोका एक साल के लिए, 726 किसान शहीद हो गए, कोई इनको फिक्र नहीं है। रोको रोको, बस आने मत दो, इनको आने मत दो, कमाल है यार। तो बीजेपी वालों ये सुन लो, आप कह रहे थे 400 पार, लेकिन इस बार तो बेड़ा पार भी नहीं हुआ, इस बार तो हालात ये हो गए कि उधर उधर से सपोर्ट लेके चलाना पड़ रहा काम। पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आम आदमी पार्टी दिलों पर राज करती है। पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, हम लोग हम इकट्ठे ही थे पहले, चलो अलग अलग हो गए, लेकिन दिल तो एक ही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम लोगों ने अनाउंस किया था, गारंटी दी थी, जो आज आपको भी गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, आपके घरों में बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले कहते थे ऐसे कैसे हो जाएगा, पैसे कहां से लाओगे। 16 मार्च 2022 को पंजाब की सरकार बनी, जुलाई में हमने फैसला कर दिया। आज 2 साल से ज्यादा हो गए, 90% घरों को पंजाब में बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो बिजली आती है, बिल नहीं आता। 600 यूनिट माफ कर रखे हमने, हर 2 महीने बाद बिल आता है, 300 यूनिट एक महीने के, 600 यूनिट। और इसमें यह भी नहीं है कि कोई नीले कार्ड वाले होंगे या कोई और, नो, चाहे जो मर्जी है, जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल जीरो आएगा। अब जिसने 5 AC लगा रखे हैं, 4 गीजर लगा रखे हैं, उसको तो बिल आएगा, लेकिन 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आ रहा पिछले लगभग 2.25 साल से, क्योंकि हमने प्लानिंग करके किया काम। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उनको सब पता है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों से लेके लोगों को कैसे वापस देना है।